Nowadays, our lifestyles have changed a lot. We live in a run fast, eat fast world. Sometimes we don't have enough time to cook food that is both nutritious and a quick fix. However, today I am going to share a recipe with you that takes minutes to cook and is super healthy. Sat Shri Akal and welcome at Dashmesh Bakers. ब्रोकन वीट या दलिया का पुलाव बनाने के लिए मैंने एक कप थोड़ा मोटा दलिया लिया है। आपके पास जो हो थोड़ा कम मोटा यानी बारीक वाला हो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। सब्जी आप अपनी चॉइस की ले सकते हैं। शिमला मिर्च लिया मैंने, टमाटर, लहसुन, प्याज और मिक्स वेजिटेबल में मेरे पास फ्रोज़न थी मैंने वो लिया और थोड़ा सा मैंने कॉलीफ्लावर भी लिया है। और मसालों में मैंने हल्दी पाउडर, नमक, सरसों के दाने लिए हैं और कड़ी पत्ता भी लिया है। आप इसमें गरम मसाला, लाल मिर्ची अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो जैसा आपको टेस्ट अच्छा लगता है। एक कप दलिया के लिए, जो मेरा थोड़ा कोर्स है, मोटा है, मैंने उसके लिए 3 कप पानी यूज़ किया है। मैंने 2 चम्मच तेल लिया है, उसमें मैं थोड़ा सा जीरा डालूंगी और सरसों के दाने भी डाल दूंगी। आप चाहो तो आप देसी घी भी ले सकते हो। और जब ये क्रैकल हो जाएंगे तो फिर उसके बाद मैं कड़ी पत्ता डालूंगी। इसको आप दलिये का पुलाव बोलो, उपमा बोलो, खाने में ये बहुत स्वाद लगता है। अब मैंने इसमें कड़ी पत्ता में डाल दिया मैंने, और अब कटी हुई सब्जी मैं बारी बारी डालूंगी। सबसे पहले मैं प्याज डालूंगी, हरी मिर्ची डाली है मैंने अभी। हरी मिर्ची जब थोड़ी सी सौते हो जाएगी फिर मैं इसमें प्याज डालूंगी। अनियन भी हल्के से हो जाएंगे, फिर बारी बारी मैं इसमें सब सब्जी डाल दूंगी। जल्दी बनने के साथ साथ ये पुलाव हमारे लिए हेल्दी भी बहुत है। अब मैंने जो गार्लिक है वो मैं थोड़ा सा डाला है और लास्ट में डाला है, क्योंकि इसमें मुझे गार्लिक का कच्चा फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। 2 मिनट के लिए सब्जियों को थोड़ा सा हिला लें हम। फिर इसमें मैं स्लाइस किए हुए टमाटर डाल दूंगी। इतना जल्दी बनता है, रफली आप सब्जी काट के और इसको 5-7 मिनट में ही बना सकते हो। और ये कंप्लीट मील है, इसके साथ आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। घर पे दही हो, कुछ कढ़ी बना सकते हो। एक इसके बाद में आपको क्विक गुजराती थाली में हम लोग कढ़ी बनाते हैं, उसका भी इसके साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप चाहो आप इसका दलिये को मीठा भी बना सकते हो, इसी तरह से ही वो मीठा पुलाव बनेगा, वो भी बहुत अच्छा बनता है। ड्राई फ्रूट्स और चीनी लेनी है उसमें। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो मैं उसकी भी आपको रेसिपी दे दूंगी। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो ज़रूर। अब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक डाल सकते हो। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और इसको फिर अच्छी से एक बार हिला दो यानी मिक्स कर लो। अब जो मैंने ये ब्रोकन वीट यानी दलिया लिया है इसको बीच में मैं मिला दूंगी, और इसको खाली 1 से 2 मिनट के लिए ही हमने इसको रोस्ट करना है सब्जियों के साथ में। और फिर मैंने आपको बताया था कि मैंने इसमें 3 कप पानी लिया है। अगर आपका दलिया बारीक है तो आप उसमें 2.5 कप पानी ले सकते हैं। मेरा ये दलिया थोड़ा मोटा है, वो मोटा दलिया बहुत स्वाद बनता है।
बस 2 ही मिनट हमने इसको रोस्ट करना है और उसके बाद मैं इसमें 3 कप माप करके पानी डाल दूंगी। इसको आप काला चना, सफ़ेद चना के साथ बहुत अच्छे बनते हैं ये। अब कैप्सिकम जो है वो मैं इसमें लास्ट में डालूंगी, क्योंकि कैप्सिकम एकदम अच्छी से पूरी से गल जाती है तो अच्छी नहीं लगती है खाने में ज़्यादा, तो मुझे थोड़ा चाहिए कैप्सिकम कम गले। अब मैं इसमें 3 कप पानी डाल रही हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स हों, वर्किंग हों, उन सबके पास टाइम कम होता है कि उनको 1 पॉट मील यानी एक ही टाइम में उनको हेल्दी खाना मिल जाए तो पूरा दिन उनका बहुत अच्छा निकलता है। और यू नो दैट ये ब्रोकन वीट या पॉरेज आप कह सकते हो, ये अपना जो हम वीट फ्लोर खाते हैं उससे भी हेल्दी है ये। इसको मैं 3 सीटी लगवाऊंगी, 3 विसल्स यानी 3 सीटी आने के बाद मैं उसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने दूंगी। देखो कितना, 5 मिनट बाद मैंने खोल दिया है, एकदम खिला खिला है। और मैं इसमें लास्ट में नींबू का रस सबसे लास्ट में डालूंगी और इसमें नींबू के रस का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है, आप ऐसी हेल्दी रेसिपीज अपने घर पे ज़रूर बनाओ। अगर आपके बच्चे कुछ दही भी खाते हैं तो ये तो ज़रूर खाएंगे। इसको आप गर्मा गर्म दही के साथ, कढ़ी के साथ सर्व कर सकते हो। मैंने दही के साथ सर्व किया है, हरी चटनी के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। आप भी ऐसी हेल्दी रेसिपीज बनाओ और मेरी रेसिपीज को शेयर करो, लाइक करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो। सो बाय फॉर नाउ, फिर मिलेंगे एक नई और 1 पॉट मील यानी एक कंप्लीट मील रेसिपी के साथ, जो स्पेशली मैंने जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, ये रेसिपी मैंने उनके लिए स्पेशल की है। और ऐसी मैं बहुत सारी रेसिपीज टाइम टू टाइम देती रहूँगी और ये बच्चे बनाएं और मेरे को कमेंट बॉक्स में भी लिखें कि उनको कुछ नहीं समझ में आया, तो मैं उनकी हेल्प के लिए आई एम ऑलवेज़ रेडी।